त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार और उनके विभिन्न मूल गुणधर्मों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सर्वांग समता किसे कहते हैं। दोस्तों बताइए कि क्या एक ही पैकेट में रखे हुए बिस्कुट एक दूसरे से बड़े, छोटे या अलग अलग दिखते हैं? नहीं, सभी बिस्कुट एक दूसरे के सर्वसम यानी आइडेंटिकल होते हैं। ऐसे ही आप वास्तविक जीवन में कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एक ही नंबर के जूते, कॉपियां या नोटबुक्स, सभी 200 रुपए के नोट, सभी 2000 के नोट एक दूसरे के सर्वसम होते हैं। और अब यह रही कुछ वस्तुएं जो एक दूसरे के सर्वसम नहीं हैं। एक 500 और एक 2000 का नोट एक दूसरे के सर्वसम नहीं होते हैं, अलग अलग नंबर के जूते, दो अलग कंपनी के पेन इत्यादि। अब हम ज्यामिति में सर्वांगसमता यानी कॉन्ग्रुएंस का अध्ययन करेंगे। सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वह आकृतियां जिनके समान आकार हैं और समान माप हैं। किसी भी दो आकृतियों को सर्वांगसम दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या सभी वृत्त यानी सर्कल्स एक जैसे दिखते हैं? दिखने में सभी वृत्त गोल दिखते हैं, बस फर्क इतना सा है कि वह एक दूसरे से छोटे या बड़े हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं दो वृत्त एक दूसरे के सर्वसम या कहने सर्वांगसम कब होते हैं? एक ही त्रिज्या यानी रेडियस लेकर खींचे हुए वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, यानी यहाँ पर वृत्त की सर्वांगसमता त्रिज्या पर आधारित होती है। उसी प्रकार वर्ग यानी स्क्वायर में समान भुजा वाले वर्ग भी एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, जैसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो या दो से अधिक वर्ग एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर वर्ग की भुजा यानी साइड पर वर्ग की सर्वांगसमता निर्भर करती है। चलिए अब इसी प्रकार त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स में देखते हैं। स्क्रीन पर त्रिभुजों की 3 जोड़ियां दी गई है। इन्हें देख कर बताएं कि कौन सी जोड़ी के त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। अगर आप पहली जोड़ी पर ध्यान दें तो त्रिभुजों की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। बस फर्क यह है कि दूसरा त्रिभुज घुमा कर रखा हुआ है। अगर त्रिभुज की संगत भुजाएं सर्वांगसम हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए बताइए कि दूसरी जोड़ी देखकर आपको क्या लगता है? जी हाँ, यह भी सर्वांगसम त्रिभुज है। यह देखने में दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज जैसा है। अब आखिरी जोड़ी पर ध्यान दें। यह त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं एक दूसरे के परस्पर सर्वांगसम नहीं है। दोस्तों जिन त्रिभुजों की जोड़ियां सर्वांगसम हैं, उन्हें हम उनकी सर्वांगसम भुजाओं के साथ एक दूसरे पर रखकर देख सकते हैं। त्रिभुजों के शीर्ष, भुजाएं और कोण एक दूसरे पर सटीक बैठ रहे हैं, और जो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है वो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज XYZ सर्वांगसम है त्रिभुज LMN के। यहाँ भुजा XY भुजा LM को ढकती है, भुजा YZ भुजा MN को ढकती है और भुजा ZXNL को ढकती है, और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। उसी तरह कोण X कोण L को ढकता है, कोण Y कोण M को ढकता है और कोण Z कोण N को, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। क्या हम शीर्ष के लिए भी यह कह सकते हैं? जी हाँ, शीर्ष X शीर्ष L के संगत है, शीर्ष Y शीर्ष M के संगत है और शीर्ष Z शीर्ष N के संगत है। दोस्तों हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग एक दूसरे के परस्पर बराबर होते हैं। हम इसे संक्षिप्त में CPCT लिखते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि यहाँ त्रिभुज XYZ सर्वांगसम त्रिभुज LMN है, परंतु अगर हम इसे ऐसा लिखें त्रिभुज XYZ सर्वांगसम MNL तो यह गलत होगा, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज में एक एक संगतता यानी 1-1 करस्पॉन्डेंस है। तो दोस्तों इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज की सर्वांगसमता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।